तो देखो, इस क्वेश्चन को बेसिकली अगर तुम देखोगे कि दो सब्सटेंस है, ए सब्सटेंस ए है जो एटॉमिक नंबर मास नंबर 16, मास नंबर 16 है, और हाफ लाइफ वन डे है। इनदर सब्सटेंस बी है जिसका मास नंबर 32 है और हाफ लाइफ हाफ डे है। इफ बोथ ए एंड बी सिमल्टेनियसली अंडरगो द रेडियो एक्टिविटी, मतलब एक साथ दोनों को रेडियो एक्टिविटी हो रहा है, एट द हर एक का शुरू में मास इतना था, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ए एंड बी कंबाइंड कुड बी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, मतलब 2 दिन बाद दो है, टोटल नंबर ऑफ जो बचा होगा वो पूछ रहा है। तो ए लॉजिक क्या डेवलप हुआ? लॉजिक डेवलप हुआ, ए और ए का निकाल लो, बी का निकाल लो, 2 दिन बाद दोनों को जोड़ दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई जो होता है वो एन इज इक्वल टू एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 होता है, और ये एन होता है, तो ई 1/2 और एन की वैल्यू स्मॉल टी और हाफ लाइफ के इक्वल होता है। तो यहाँ से एन इज इक्वल टू एन नॉट और देखोगे तो 1/2 स्मॉल टी अपन कैपिटल टी। तो एन जो है, अब बेसिकली सबसे पहले एन जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या नंबर ऑफ एटम्स इनिशियली, तो अगर तुम इसको निकालोगे तो सबसे पहले हम मोल, हाँ नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल इन ए निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इन ए कितना आ जाएगा, मास कितना है 320 ग्राम है, और ए का मास नंबर कितना 16, मतलब ये आ जाएगा 20 मोल्स जो है वो आ जाएगा ए का। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन बी, तो बी में कितना मोल्स आ जाएगा, तो 320 ग्राम बी था और इसका मास नंबर 32 है, 32 है, तो ये आ जाएगा 10 मोल। ठीक है, तो ये 10 मोल और ये 20 मोल। तो अगर आप बात करोगे यहाँ से 10 और 20 मोल से, तो बेसिकली देखो ये नंबर ऑफ मोल एन ए है और ये नंबर ऑफ मोल एन बी है। तो इसका मतलब एन नॉट इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एवोगेड्रो नंबर एन। एन यहाँ पर मेरा, हाँ एवोगेड्रो नंबर है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 20 एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई एवोगेड्रो नंबर 6.02 × 10³ के इक्वल है। बात आ रहा समझ में? उसी तरह से नंबर ऑफ एटम्स इनिशियली बी में तुम देखोगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी और एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 10n। ठीक है, और यह आ जाएगा 20n, एन यहाँ कैप। ठीक है, तो यहाँ से तुम देखोगे ये जो एन ए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर 2 डेज इन ए इज इक्वल टू एन नॉट की वैल्यू 20n। ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम्स इनिशियली 1/2, टाइम भी चुका है 2, और ए का हाफ लाइफ कितना आया, ए का लाइफ ऑफ 1 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 20n/4, तो यह आ जाएगा 5n। ए एन यहाँ एवोगेड्रो नंबर है और एन ए नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। तो 2 डेज ये तो रहा किसकी कहानी, ये रहा ए का। उसी तरह से बी का 2 दिन बाद देखोगे तो ये आ जाएगा एन नॉट की, इसमें वैल्यू पुट करो इस वाले फार्मूले में, तो यहाँ से एन नॉट की नंबर ऑफ इनिशियली पार्टिकल एवोगेड्रो नंबर 10 × मोल और 1/2, टाइम बीत चुका है 1/2, और इसका सॉरी टाइम बीत चुका है 2 और हाफ लाइफ है 1/2, मतलब ये आ जाएगा 4। तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये आ जाएगा 10 4, मतलब ये 16, ये एन। ठीक है, यहाँ से तो 2 दिन बाद अगर कहानी देखोगे तो आफ्टर 2 डेज कितना बचा है, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए तुम देखोगे तो बेसिकली आफ्टर 2 डेज हाउ मच, व्हाट विल द स्टोरी आफ्टर 2 डेज। तो 2 डेज की स्टोरी अगर देखोगे बेसिकली तो यहाँ से
हाँ तो 2 दिन बाद अगर तुम देखोगे तो 2 दिन बाद अगर बेसिकली क्या करो भाई, एड कर दो यहाँ से, तो आफ्टर 2 डेज तुम देखोगे तो रिमेनिंग 2 डे एन इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी के इक्वल होगा, और एन ए कितना है 5 एन, और ये आ जाएगा 10n/16, ठीक है। तो 5 एन इज इक्वल टू ये आ जाएगा 19n/16, तो 19n एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10³³ की वैल्यू डाल दो और यह 16 से डिवाइड कर दो, तो पूरा का पूरा आ जाएगा 3.38 × 10⁴, ये पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से तुम देखोगे कि 10⁰² मतलब जो है वो फर्स्ट ऑप्शन अपना मैच करेगा यहाँ से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।